नमस्कार दोस्तों, इस जन्म में मेरा नाम है केविन कोवाड़िया। आज मैं आपके साथ मेरा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। पिछले साल दिसंबर में मेरी शादी हुई और मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हम दोनों लोग कहीं घूमने जाएं। शादी के 2 महीने पहले से ही मैं सोच रहा था कि कौन सी जगह पे जाए। इंटरनेट पे अलग अलग जगह में देख रहा था। वैसे मैं गुजरात में रहता हूँ, गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में। तो गुजरात के आसपास मैंने गुजरात में कुछ जगह घूमी है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 4 स्टेट में मैं घूमा हूँ, इससे बाहर नहीं घूम पाया। तो जब मैं सोच रहा था कि शादी के बाद जब हम दोनों घूमने जाए तो कहाँ पर जाए, तो इंडिया सच में बहुत ही, ये जो भारत देश है वो, उसमें जो अलग अलग प्रदेश है वहाँ का वातावरण जो है, वहाँ पे लैंडस्केप जो है वो बहुत ही बढ़िया है। मैं हम फोटोग्राफ्स देखते हैं, कश्मीर नॉर्थ में देखे तो शिमला कुल्लू मनाली, नॉर्थ ईस्ट जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बट वहाँ पे कुदरत का इतना करिश्मा है क्या बताएं। मैं आज ही 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में देख रहा था कि मेघालय में एक नदी है और नदी में पानी इतना साफ था कि जैसे मान लो जो अगर बोट उस पे जो तैर रही है तो लगेगा कि कांच के ऊपर तैर रही है। पानी इतना साफ कि आपको पूरा दिखाई दे और बहुत ही अच्छा है। तो वो एरिया भी बहुत ही सही है। उसके बाद साउथ में बहुत सारे घने जंगल है, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो मैं सोच रहा था, मैंने मेरी वाइफ वुड बी उस टाइम वुड बी वाइफ थी उनको भी पूछा कि कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो पता नहीं, पहले से ही मेरा इंटरेस्ट था साउथ की ओर और फॉर्चुनेटली उनका भी इंटरेस्ट था कि साउथ में बहुत सारी जगह है तो वहाँ पे कहीं पे चलते हैं। तो जब मैं साउथ एक्सप्लोर कर रहा था तो साउथ में केरला, द गॉड्स ऑन कंट्री केरला है, बेंगलोर है, मैंगलोर है, ऊटी है। तो मैं ऐसे अलग अलग पैकेजेस देख रहा था, बट एक ही दिक्कत आ रही थी दोस्तों, और वो था मेरे लिए बजट। क्योंकि मोस्टली मैं जो पैकेज देख रहा था तो वो 25 एंड अबव थे। नॉर्मली भी अगर मिनिमम भी देखे 3 दिन 4 दिन के तो 25-30 के अबव थे। और मैं चाहता था कि मेरे को जाना ही है इस बार, बट बजट का थोड़ा कंस्ट्रेंट आ रहा था तो दिमाग में सोच रहा था कि क्या करूँ। बट पता नहीं क्यों, बट जाने की विलिंग बहुत थी कि कैसे मिस नहीं करना, बट ये बजट का कंस्ट्रेंट आ रहा है। तो ऐसे ही अचानक मेरे को अंदर से याद आया कि एक सोर्स मेरे को, जैसे कभी ना आपको अंदर से ख्याल आ जाता है, बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो, बहुत सर्च भी करते हो, बट कुछ चीज़ आपको ऐसे क्लिक हो जाती है। तो अचानक मेरे को क्लिक हो गई, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, YHA इंडिया, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये एक एसोसिएशन है, एक NGO है जो इसे टूर्स एंड ट्रैवल्स के पैकेजेस अरेंज करते हैं। हाँ, इसका ऐसा कोई हार्डकोर कमर्शियल उद्देश्य नहीं है, तो इसीलिए वो नॉमिनल बजट में ऐसे पैकेजेस कराते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने पहले सुना था जब हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ा करते थे, तो मैंने इनके बारे में सुना था। उस टाइम भी हमने प्लान बना था कि इसके थ्रू हम कहीं घूमने जाएंगे, बट उस टाइम पे हो नहीं पाया। बट पता नहीं, फिर जैसे मैंने उनकी वेबसाइट सर्च की तो इसमें 2 तरीके के प्लान होते हैं। पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पे ये लोग पैकेजेस अवेलेबल होते हैं और बहुत सारे डेट पे होते हैं। ऐसा नहीं हो कि एक ही डेट का होता है, सीज़न के हिसाब से होता है। मान लीजिए अब नॉर्थ में बहुत ठंडी में जा रहे हैं तो वहाँ पे अप्रैल मई के बाद वाले पैकेजेस हो गए। साउथ में पूरे साल चलते रहते हैं तो सीज़न के हिसाब से पैकेजेस होंगे। तो मैं जब साउथ में, और उसमें हाँ 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल आप जा सकते हो उसमें, दूसरा होता है फैमिली। फैमिली में जो क्या काउंट करते हैं, फैमिली में एक कपल, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे अलाउड है मैक्सिमम, ये फैमिली के साथ। अगर आप चाहते हैं कि अभी आप सिंगल, मतलब अभी आपके बच्चे नहीं हैं या फिर आप बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहते, तो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ एक कपल भी जा सकते हैं और मैक्सिमम 2 बच्चे अलाउड हैं। तो तभी मेरे को दिमाग में ख्याल आया कि अगर इंडिविजुअल तो अभी जाना नहीं है, शादी के बाद जाना था, तो ये फैमिली वाले पैकेज में अगर हम दोनों जाए तो क्या पॉसिबल है या नहीं। तो मैंने साउथ में मैं अलग अलग देख रहा था, तो एक एक प्लान जो तारीख और सबके हिसाब से सेट हो गया और वो था डेस्टिनेशन कुर्ग। हाँ दोस्तों, कुर्ग था। उसमें मैंने नेट पे थोड़े वीडियो देखे, वो लोकेशन देखा, लोकेशन बहुत ही अच्छा था। हिल स्टेशन था, जैसे ऊटी है ये गुजरात और राजस्थान के पास आबू है, उसी तरह हिल स्टेशन था, बट बहुत ही अच्छी जगह थी, कुदरती वातावरण बहुत ही सही था वहाँ पर।
तो मुझे लगा कि शायद ये डेट के हिसाब से भी जो हमारा प्रोबेबल टाइम था उसमें भी सेट हो रहा था। तो फिर मैंने उसका बजट देखा, तो बजट था 8,000 के आसपास, 8,000 समथिंग वहाँ पे लिखे हुए थे। तो मैं खुश हो गया क्योंकि मैंने जितने भी पहले पैकेजेस देखे थे वो 25-30 हज़ार से स्टार्ट हो रहे थे और ये मेरे को 8,000 में मिला था। अब मेरे को झटका लगा। अभी दो तरीके के झटके होते हैं, एक आपको दुख होता है, एक आपको मतलब ऐसा बोला अच्छा वाला झटका लगता है। तो ये अच्छा वाला झटका था। जब मैंने डिटेल में देखा तो मेरे को पता चला कि ये जो 8,000 समथिंग इसकी फीस है वो पर पर्सन नहीं है, वो पर कपल है। हाँ, आपको भी लगा ना झटका, ऐसा ही था मेरे को भी लगा कि कभी हम लगे कैसे पॉसिबल है, ये लोग कैसे कराते हैं। और उसमें मैंने डेट्स देखे, फोटोग्राफ्स देखे, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर दिए गए थे कंसर्न पर्सन के। तो मैंने कॉल करके पूछा, उनको मेरा पूरा सिनेरियो बताया कि मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, मैं शादी के बाद पहली बार वहाँ पे घूमने के लिए प्लान कर रहा हूँ, तो वो जगह कैसी है और वो पर कपल ही चार्जेस है, ये वो क्या फैसिलिटीज रहेगी क्या नहीं, कितने दिन का, अच्छा वहाँ पर कैसे पहुँचना है। और एक चीज़, ये पैकेजेस कैसे होते हैं, वो आपको घर से पिक एंड ड्रॉप नहीं करते, वो जो लोकेशन है उसे एक बेस कैंप लोकेशन बोलते हैं, वहाँ तक आपको अपने हिसाब से पहुँच जाना है, ठीक है। और जैसे ही वो 3-4 दिन, 5 दिन 6 दिन का जो प्रोग्राम खत्म होगा उसके बाद वो वहाँ से आपको छोड़ देंगे, फिर वहाँ से आपको घर तक आना वो आपके हिसाब से। तो जो ये जो मेन ट्रैवलिंग है वो आपको मैनेज करना है। बट आज इंटरनेट के ज़माने में बहुत ईजी है, इतना वहाँ पर हसल नहीं होगा। हमारे लिए जो ये लोकेशन था वो कुर्ग था, तो मैंगलोर से कुछ किलोमीटर पे था, तो वहाँ पे नज़दीक का लोकेशन जहाँ पे ट्रेन अवेलेबल हो मैंगलोर था। तो मैंने देखा तो अहमदाबाद से मैंगलोर की ट्रेन, डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल थी, तो हमने अहमदाबाद से मैंगलोर तक तो ट्रेन में गए। फिर मैंगलोर रेलवे स्टेशन से हम वहाँ के बस स्टैंड पे चले गए, वाया ऑटो करके हम वहाँ से बस स्टैंड में चले गए। और बस स्टैंड में जाके देखा तो वहाँ पे बसेस अवेलेबल थी, तो वहाँ से 3 घंटे, 2 या 3 घंटे का रास्ता था मैंगलोर का, और मैंगलोर से कुरुक का। तो कुर्ग वो पहाड़ी के ऊपर है, तो वो भी एक्चुअली अच्छा लगा कि बस में हमने वो 3 घंटे जो एन्जॉय किया, एकदम पहाड़ी पे ऊपर बस चढ़ती जा रही है, आसपास घने जंगल जंगल, लंबे लंबे पेड़, और मतलब वो ऐसा लगता है कि आपको यार सच में अच्छा हुआ मैं यहाँ पे आया। हर किसी को लाइफ में ब्रेक की ज़रूरत होती है, मैं तो बोलता हूँ वो इतनी अच्छी जगह है कि हर साल में मिनिमम एक बार तो कहीं ना कहीं, पूरे इंडिया ऐसा है, पूरा भारत में आप कहीं भी घूमने जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है। और जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जाएँ तो बजट में हमको सारी फैसिलिटीज़ मिल सकते हैं। तो फिर हमारा आई थिंक 4 दिन का वो वहाँ पे प्रोग्राम था। और दूसरी अच्छी बात क्या हुई कि इसमें हमारे साथ मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ पढ़ता था, और उनकी भी शादी मेरी शादी के आसपास वाले दिन में हुई थी, तो वो लोग भी सोच रहे थे कहाँ पे जाना। तो मैंने उसको साथ शेयर किया कि इस जगह मैं जा रहा हूँ, क्या तुम आना चाहोगे? तो उन्होंने बोला हाँ मैं भी कब से सोच रहा हूँ, बट कहीं पे घूमने जाना है बट कहीं सेट नहीं हो रहा। बोले तुम जा रहे हो तो एक काम करो, तुम्हारे साथ मेरा भी कर दो, हम दोनों दोस्ती है तो साथ में अच्छा ही रहेगा। तो इसी तरह वो लोग भी हमारे साथ थे, हम लोग 4 लोग थे, 2 कपल, तो बहुत अच्छी जर्नी रही। हम यहाँ से मैंगलोर गए, मैंगलोर से फिर वाया बस कुर्ग गए, कुर्ग बस स्टेशन से वाया ऑटो करिया, और वहाँ से जो बेस्ट लोकेशन था कुर्ग का जो यहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे पहुँच गए। और वहाँ पे हमारे लिए उन्होंने टेंट बनवाए थे। तो ऐसा होता है कि कुछ लोकेशन में टेंट से टेंट होते हैं, कुछ लोकेशन पे उनकी होटल होती है, तो टेंट पे भी रहने का एक अलग मज़ा है। तो वो भी हम ऐसे कहीं कभी नहीं रहे थे, तो टेंट अच्छे से पूरा फुल प्रूफ रहता है, वो पूरा कवर अगर बंद करना चाहे पूरा कवर हो जाएगा, कुछ भी कुछ नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा वो लोग मैनेज करते हैं। तो वहाँ से फिर गए, तो 4 दिन हम वहीं पे रहे, हमारे साथ दूसरे टोटल हम 7 कपल थे, तो उसमें से 2 हम न्यूली मैरिड थे, बाकी मिक्स एज के थे। तो इनिशियली हमको लग रहा था कि कैसा होगा, हम लोग वहाँ पे यू नो हमको होता है कि अननोन पीपल से कैसा हो पाएगा, बट पता नहीं लकीली या अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारे लिए वो काफ़ी अच्छा रहा अनुभव। सारे जो कपल थे, दूसरे जो कपल थे वो तकरीबन 40 एज 50 एज की भी थे, कुछ लोग अपने साथ बच्चे को लाए थे, कुछ लोग सिर्फ वो आए थे, बट अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, सब लोग से मिले। कुछ लोग मुंबई से आए थे, कुछ लोग बेंगलोर से आए थे, अलग अलग जगह से लोग आए थे, सबके साथ मिले, सबके साथ अनुभव शेयर किया, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा देखे जाए तो हम 2 ही कपल थोड़े कम एज वाले थे और वो थोड़ी बड़ी एज वाले थे, बट उनको भी अच्छा लगा और हमें भी अच्छा लगा। इनिशियली हमारे मन में वो था कि यार कैसा रहेगा, बट 4 दिन खत्म होने के बाद वो नहीं रहा, सब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल गए। उन्होंने उसका ये एक्चुअली उनको पता चला कि ये लोग शादी के बाद पहली बार से घूमने आए, तो उन्होंने अपने जीवन का जो ये होता है हस्बैंड वाइफ का एक्सपीरियंस वो भी शेयर किया हमारे साथ, और सर्विसेज वाइज भी काफ़ी अच्छा रहा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर इनके साथ जानना चाहते हो तो कुर्ग तो अच्छी जगह है ही है,
इसके अलावा भी पूरे इंडिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह है, तो आप इसकी वेबसाइट पे जाइए, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके लिंक्स मैंने नीचे डिटेल में दी हुई है, आप देखिए, अलग अलग प्रोग्राम को एक्सप्लोर कीजिए, उसके कोऑर्डिनेटर को कॉन्टैक्ट कीजिए और आपकी अवेलेबिलिटी पे डेट पे आप घूमने जाइए। ये सच में वैकेशन और ब्रेक हर किसी को चाहिए, और एक्चुअली इसके ज़रिए हम नेचर के साथ मिलते हैं। हमको लगता है कि यार घूमने जाना ये सब क्या होता है, बट क्या है कि कभी हम हमारे रूटीन लाइफ में इतने स्टक हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। तो ऐसी जगह पे जब जहाँ पे जब हमारा फोन का यूसेज इतना कम होगा, हम सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर और नेचर के साथ होंगे, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हीलिंग मिलता है, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, ब्रेक मिलता है, रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत ही सही था। ठीक है, अभी इतना ही मैं बता पाऊंगा, अगले वीडियो में मैं कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आप देखिए। ठीक है, एक ओमकार के साथ हम हमारा कन्वर्सेशन को एंड करेंगे।